छत्तीसगढ़ में डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दुर्ग के बूढ़े गांव में डायरिया के अब तक 47 मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे के लोग गांव पहुंचे और पेयजल पाइपलाइन की जांच की गई है। गांव में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, इसका भी उन्होंने स्थितियों को देखा। इधर कवर्धा में भी डायरिया को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डायरिया प्रभावित गांवों में प्रशासन साफ सफाई करवा रहा है, नालियों से गंदगी निकाली जा रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। यह सब उल्टी दस्त हो थे। हाँ, कितने जन प्रभावित? 41 जन परसों रही से, कल 3 मरीजों निकली से। कौन मिलकर पानी पिया था? यही हैंडपम्प पंचायत के बगल में है। हाँ, कितने पुराना है ये? है तो बहुत पुराना है भैया, करीब। साफ सफाई होते हैं सोकर? साफ सफाई कम होते भैया वहाँ। अच्छा, पीएचयू वाले मनाते हैं, जाते करते ही नहीं? अब उत्तर पता नहीं है, फिर नहीं आए पीएचयू वाले। मन भी नहीं आए पहले? पहले भी नहीं आए मन। हाँ, नाला भी गंदा नाला भी उस साइड से निकला है हैंडपम्प से। अचानक 3 केस लोहारा भर्ती हुए थे, तो हम लोग पूरे हेल्थ की टीम यहाँ पे आके कैंप कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं। अभी तक 52 केस मिले हैं अभी तक। आज के डेट में अभी की स्थिति में एक भी केस नहीं आया है। कुछ तो जिला अस्पताल में है, 8 से 10 लोग जिला अस्पताल में होंगे और 3-4। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ग्राम देहांडी जहां डायरिया का मामला सामने आया। आप देख सकते हैं कि यहां पर गांव में मामला जैसे ही सामने आया उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है करने का प्रयास किया गया। हालांकि इससे पहले इसकी नालियां जो काफ़ी चोक रही हैं, साफ़ सफाई वहाँ नहीं हुआ था। कल कलेक्टर और तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनकी टीम यहाँ पर पहुँची थी, उनके द्वारा जो निरीक्षण करने के बाद जो यथासंभव निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से जो अमला अलर्ट हुआ, फिर साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। स्लोगन जो है आप देख सकते हैं दीवारों स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है कि पानी को खासकर विशेष ध्यान देने की बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि पानी से ही डायरिया फैलने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। लोग भी काफ़ी मौजूद हैं और इसी मोहल्ले में जो संख्या जो है मरीजों की काफ़ी ज़्यादा मिली है। अब तक तो 44 मरीज जो डायरिया के मिले हैं वो इसी बात से। नालियों की अगर व्यवस्था देखते हैं तो आप अभी भी जो साफ़ सफाई का अभाव यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये प्रतिदिन जो है साफ़ सफाई यहाँ की होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, पर ग्रामीण क्षेत्र में जो नियमित नालियों की सफाई की व्यवस्था नहीं होती, पंचायत की ही एक जिम्मेदारी रहती है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अलर्ट पे हैं स्वास्थ्य विभाग भी, उनको हर तरह की जो हिदायत है, जो जरूरी बातें हैं वो उनके द्वारा कही जा रही। मितानिन जो है घरों घर पहुँच कर उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पानी का उपयोग करना है, और गाँव में भी जो जहाँ से जिस ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई होती थी उसे बंद कर दिया गया है और अस्थायी रूप से टैंकर और दूसरे मोहल्ले से पानी की सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और आज के दौर में बच्चों में